ईरान से मिल रही धमकियों के बीच इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर नए प्लान पर काम शुरू कर दिया। खबर है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका अपनी हाईटेक नावों का एक बहुत बड़ा बेड़ा उतारने वाला है ताकि ईरान पर नजर रखी जा सके। फारस की खाड़ी से ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है। अमेरिका इस समुद्र में ऐसी 100 नावें उतारेगा जो अनमैन्ड होंगी, यानी जिन पर कोई नौसैनिक मौजूद नहीं होगा, लेकिन इन नावों पर कैमरे और सेंसर लगे होंगे। ये नावें किसी सबमरीन की तरह पानी के नीचे भी जा सकती हैं और सतह पर भी रह सकती हैं। मतलब ये कि समुद्र में ईरान के बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन तैयारी सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए इसराइल और अमेरिका किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों देश खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। यहां तक कि इसराइल की सेना के प्रमुख 5 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं, जबकि इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अधिकारी इसराइल के दौरे पर थे। माना जा रहा है कि ईरान की धमकी के बाद से दोनों देश सुरक्षा घेरा मजबूत करने पर काम शुरू कर चुके हैं। इसीलिए नए सिरे से हथियारों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है। ईरान ने पिछले एक हफ्ते में 3 बार इसराइल को हमले की धमकी दी है। ऊपर से दावा किया गया है कि वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है जिसकी जद में पूरा इसराइल है। ये भी धमकी दी गई कि इसराइल के परमाणु हथियारों का ठिकाना ईरान की एजेंसियां जानती हैं। माना जाता है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लायक नहीं है। इसराइल की परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। अगर ईरान की मिसाइल इसराइल तक पहुंच गई तो इसराइल में बड़ी तबाही हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका और इसराइल सुरक्षा घेरे को मजबूत करने पर नए सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसराइल को एक तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, जिसके लिए वो अमेरिका पर दबाव बना रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में तैनात वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी अब हार मानने लगे हैं। इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक सैनिक सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ता नजर आया। दावा किया गया ये सैनिक उसी खूंखार वैगनर ग्रुप का हिस्सा था जिसके दम पर पुतिन यूक्रेन को हथियाने की तैयारी में। ड्रोन की मदद से बनाए गए वीडियो के साथ दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज के सामने अलग अलग इलाकों में इसी तरह कई लड़ाकों ने हथियार डाल दिए। यूक्रेन का दावा है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से अब वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी थककर टूट चुके हैं, जिसके बाद वो खुद ही जेलेंस्की की फौज के आगे सरेंडर कर अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं। पोलैंड की सरकार अपने नागरिकों को बमबारी से बचाने के लिए शेल्टर की संख्या बढ़ाएगी, जिसकी जानकारी वहां के गृह मंत्री ने रेडियो के जरिए दी और बताया कि पोलैंड की सरकार इसके लिए नया कानून बनाने की तैयारी में है ताकि बमबारी से बचने के लिए देश में शेल्टरों की संख्या बढ़ाई जा सके। पिछले हफ्ते यूक्रेन पर हुई मिसाइलों की बौछार के दौरान एक मिसाइल पोलैंड में गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इसी के बाद बमबारी से बचाने वाले शेल्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में मारे गए सैनिकों की याद में पौधे लगाए गए। रूस के ये जवान यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए मारे गए थे, जिनकी याद में उनके परिवार के लोग सेवस्तोपोल के विक्ट्री पार्क में इकट्ठा हुए। युद्ध में शहीद हुए रूस के सैनिकों को याद कर साइप्रस के 71 पौधे लगाए गए। इस दौरान नौसेना के अधिकारियों ने शहीद सैनिकों के परिवार वालों को संबोधित भी किया। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से ठप पड़ी बिजली की सप्लाई को फिर से बहाल करने में सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसकी जानकारी वहां के ऊर्जा मंत्री ने दी और बताया कि बिजली की सप्लाई काफी हद तक काबू में आ चुकी है। यूक्रेन की सरकार ने साफ किया कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी DTAK ग्रुप ने भी लोगों से देश नहीं छोड़ने की अपील की।